दोस्तों, आपकी खास डिमांड पर हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ ऐसी ई बाइक्स की सीरीज, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी वाली ई बाइक्स जो कि काफी बेहतरीन रहती है आजकल के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की इस गैजेट के साथ। नंबर 7, बीन कोर की रियर व्यू साइकिलिंग मिरर। दोस्तों, कार या फिर मोटर बाइक्स में आपको साइड मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप पीछे की तरफ नजर रख सकते हैं। लेकिन साइकिल चलाते समय ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं होता जिससे कि आप पीछे की तरफ देख पाएं। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो फिर आपको पीछे की तरफ टर्न होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है राइडिंग करते वक्त। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से मिरर को, जो कि खास तौर पर साइकिल के लिए ही बनाए गए हैं। दोस्तों, इन मिरर्स को आप सेट कर सकते हैं अपनी साइकिल के हैंडल पर, और जब भी पीछे देखना चाहें तो इसके मिरर को ओपन कर दीजिए, जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से कौन आ रहा है। तो ये आपकी राइडिंग को सेफ तो बनाती ही है, साथ ही दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी बाइसिकल को एक हल्का सा बेहतरीन लुक भी देगी। नंबर 6, कोपेनहेगन व्हील। दोस्तों, आजकल काफी हाईटेक टाइप की ई बाइक्स वगैरह आ रही हैं, जहां पर आपको काफी सारी टेक्नोलॉजी और बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात साइकिलिंग की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सिंपल बाइसिकल का जो मजा है वो किसी चीज का नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी साइकिल होती है जो कि एकदम देखने में सिंपल लगती है, जहां पर आपको किसी भी तरीके के कोई खास इक्विपमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एक तरीके की हाइब्रिड ई बाइक होती है, जहां पर जो इसका व्हील होता है उसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि उसमें एक इनबिल्ट होती है छोटी सी मोटर, और साथ ही उसकी बैटरीज भी उसी व्हील्स में लगी होती है। ये बेहद लाइट वेट होती है, जिससे कि आप नॉर्मली भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और जब चाहे एक छोटी सी ई बाइक में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल चार्ज पर लगभग 31 माइल्स तक की रेंज देखने को मिल जाती है, साथ ही इसका चार्जिंग टाइम लगभग 3.5 घंटों का होता है। यानी कि आपको अच्छा खासा बैकअप देखने को मिल जाता है इस छोटी सी साइकिल में। और वहीं पैडल असिस्ट तो होता ही है, यानी कि बैटरी खत्म हो जाती है तो आराम से आप नॉर्मल साइकिल में पैडल मारकर कहीं भी जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि भाई आपको ये साइकिल कैसी लगी, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां मिलती है लेटेस्ट गैजेट की तुरंत अपडेट। तो फटाफट जाइए न्यूटेक गैजेट को फॉलो करिए। नंबर 5, लिंका ऑटो अनलॉकिंग स्मार्ट बाइक लॉक। दोस्तों, आजकल भी साइकिल में ट्रेडिशनल लॉक लगाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेफ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें टैम्पर करना बहुत इजी होता है। बस एक हथौड़ा मारिए और वो खट से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी साइकिल को थोड़ा सा अपग्रेड करना तो उसमें इस तरीके की लॉकिंग सिस्टम को लगा सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन फीचर के साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, देखने में तो ये एकदम वैसा ही लॉक लगता है, क्योंकि इसका शेप एंड साइज कुछ वैसा ही बनाया गया है जैसा कि नॉर्मल साइकिल के लॉक का होता है। बस इसके फिनिश में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा, साथ ही उसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत और स्मार्ट होता है। ये आपके मोबाइल फोन से हमेशा कनेक्ट रहेगा, और कोई भी अगर आपकी साइकिल छूने की कोशिश करता है तो फौरन इसका अलार्म बजने लगता है और आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, जिससे कि आप भी अवेयर हो जाएं। साथ ही दोस्तों, इसमें ऑटो अनलॉकिंग के भी फीचर होते हैं, यानी कि ये आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट रहेगा और जैसे ही आप इसकी रेंज में आते हैं तो फौरन ये खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। साथ ही अगर आप चाहें तो इसे पासकोड डालकर भी अनलॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स आपको इस छोटे से लॉक में देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 4, बी लाइन वेलो बाइक कंप्यूटर। दोस्तों, नेविगेशन आज की तारीख में काफी मायने रखता है। अगर आप किसी लंबी ट्रिप पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नेविगेशन की जरूरत होती है, जिससे कि आप रास्ते का अंदाजा लगा सके। तो दोस्तों, कार में तो आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है, जो कि आपके लिए नेविगेशन का काम करेगी। लेकिन दोस्तों, साइकिल में ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि नेविगेशन पर्पस काफी सिंपल और यूजफुल रहेगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा गैजेट होता है, जिसे कि माउंट के जरिए आपको अपनी साइकिल के हैंडल पर लगा देना होगा, और एक बार फोन से आप रूट को सेट कर देते हैं तो ये नेविगेशन के लिए एकदम तैयार हो जाएगा, और आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ये रास्ते में आपको हेल्प करता जाता है। यानी कि बार बार फोन निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही रुक रुक कर बार बार आपको रास्ता पूछनी पड़ेगी किसी से। आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं इस छोटे से गैजेट की मदद से। नंबर 3, गो साइकिल GX। दोस्तों, आजकल लोग मिनी ई बाइक्स का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि ये साइज में छोटी होती है, और साथ ही ई बाइक्स के फंक्शन यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है इसे चलाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी छोटी सी मिनी ई साइकिल, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं भी जा सकते हैं। ये एक तरीके की छोटी सी फोल्डिंग ई बाइसिकल होती है, जिसे कि आप आराम से फोल्ड कराकर कहीं भी ले जा पाएंगे, और जब भी आपको इसकी राइडिंग लेनी हो तो बस इसे ओपन करिए और ये एकदम तैयार हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 5 किलोमीटर/आवर की होती है, साथ ही दोस्तों इसे आप सिंगल चार्ज पर लगभग 65 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये ई बाइक बैटरी पावर्ड होती है, यहाँ पर आपको 300 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसका चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटों का होता है। साथ ही ये बेहद हल्की रहेगी, और इसमें पैडल असिस्ट भी दे रखा होता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, यानी कि चार्जिंग अगर खत्म भी हो जाती है तब भी आप आसानी से कहीं भी जा सकेंगे। तो कमाल की चीज रहती है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको छोटी सी मिनी ई साइकिल कैसी लगी है। नंबर 2, सेना R1 EVO।
दोस्तों कोई भी राइड हो, फिर वो चाहे मोटर बाइक राइड हो या फिर आपकी साइकिल की ही राइड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सेफ्टी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। और जिसमें सबसे पहली लाइन आती है आपके हेलमेट की, यानी कि बिना हेलमेट के अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनसेफ मानकर चलिए। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको जरूरत होती है एक ऐसे हेलमेट की जो कि आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी भी दे। तो दोस्तों सेना की तरफ से आने वाला ये हेलमेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि ये होता है नॉर्मल हेलमेट से काफी ज्यादा अलग। दोस्तों ये एकदम हाफ फेस हेलमेट होता है जो कि आपकी सेफ्टी तो करेगा ही, साथ ही यहाँ पर कम्युनिकेशन के भी आपके बेहतरीन फीचर्स होते हैं, जिससे कि आप मेस इंटरकॉम का मजा ले सकते हैं अपने राइडिंग ग्रुप के साथ। साथ ही इसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको फोन कॉल्स या फिर म्यूजिक वगैरह का मजा लेने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज आपको इस छोटे से हेलमेट में देखने को मिल जाती है, जहां पर ये फीचर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 1, Victrix Moto E-Bike। दोस्तों जनरली जो ई बाइक्स होती हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल सरफेस के लिए बनाई जाती हैं, यानी आप उनका बहुत रफ टफ यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस ई बाइक को देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये दरअसल एक तरीके की ऐसी ई मोपेड होती है जिसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसे खास तौर पर रफ टफ सिचुएशन के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से आप आसानी से इसे किसी भी तरीके की रोड्स पर चला सकते हैं। इसमें 750 वाट की पावरफुल मोटर होती है जो कि बैटरी पावर्ड होती है, और सिंगल चार्ज पर आप इसे लगभग 100 माइल्स तक की रेंज पर ले जा सकते हैं। तो काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि आपको अच्छी खासी डिस्टेंस भी अवेलेबल कराती है, और आप किसी भी तरीके से आप इसका रफ टफ सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये ई बाइक कैसी लगी है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।